ओहो, कहाँ? यही पास में ही धोती संभाल के। गांव का कुछ नाम है कि नहीं? हाँ है, क्यों नहीं, पोखरौनी का सहोदरा सौराट। और जानते हैं कौन है धोती संभाल के? कौन? अपने नुनू बाबू के। ये नुनू बाबू कौन है? नुनू बाबू को नहीं पहचाना? वो अपने रहिका वाले मंगनू बाबू के। मैं मेरे भाई के साले हैं नुनू बाबू पोखरौनी वाले, उनके ही नाती से अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ धोती संभाल के। अच्छा, तो इसमें मेरा क्या प्रयोजन? प्रयोजन कहिए तो, आप जैसा विद्वान, मितभाषी और परख निहारी इस इलाके में दूसरा कौन है विद्यापति जी? जब तक आप अपनी पारखी नजरों से नहीं परखेंगे, तब तक मेरा मन नहीं मानेगा। आपका इस घटकैती में चलना अनिवार्य है धोती संभाल के। अरे मनोहरा जी, मालिक, चंगेरा लाओ इधर। हाँ, ला 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 ला। विद्यापति जी, इसे स्वीकार किया जाए धोती संभाल के। लेकिन इसकी क्या आवश्यकता थी? थी ना, मैं जानता हूँ आप गरीब हैं, आपको अन्न और वस्त्र का अभाव है, इसलिए सब लेता आया धोती संभाल के। देखिए, आप इस बात का बुरा नहीं माने और इस घटकैती में अवश्य आए धोती संभाल के। अरे मनोहरा, पालकी उठा और जल्दी से चल, और देख, शास्त्री का दालान होकर नहीं चलना, समझा ना? विद्यापति जी, मैं आपका बाट जोहूंगा, आप अवश्य आइएगा धोती संभाल के। अरे मनोहरा, तेजी से चल घोड़े की तरह। पतले तन पर भीगी साड़ी। अरे आगे भी सुनोगे कि इतने में ही मन भर गया, जरा आगे तो सुनो। पतले तन पर भीगी साड़ी, आंख लगाए काजल कारी। क्या बात, क्या बात, स्वर्ग की परी छुप गई लाज के मारे, देख के धरती की सुंदर नारी। वाह भैया वाह, मेरा तो मन आनंद से गदगद हो गया। वाह शास्त्री जी, हमारा मन नहीं भरा, एक बार और सुनाइए। शास्त्री जी, अरे देखते नहीं, अभी मैं श्रृंगार रस में डूबा हुआ हूँ। पतले तन पर भीगी शास्त्री जी। अरे चुप रहे, देखते नहीं शास्त्री जी कितनी अच्छी रचना सुना रहे, बकबक कर रहा है, भाग गया से। अरे चुप रहे, अच्छा बोलो, ऐसे कुत्ते की तरह क्यों हाँप रहे हो? क्या शास्त्री जी, ये धन्ना सेठ अपने गाँव में। अरे ओ मोटू, जाओ और नौकर से कह दो कि बिछावन ठीक कर दे। अब इसका कोई प्रयोजन नहीं रह गया, वे तो चले गए। और अपने नौकर से बोल रहे थे कि शास्त्री के दालान होकर ना जाकर दूसरे रास्ते से चलो। और ये बात मैंने खुद अपने कानों से सुनी है। शास्त्री जी, धन्ना सेठ तो आपके परम मित्र हैं, फिर वो आपसे मिले ही नहीं, क्यों? धन्ना सेठ अपनी बेटी की घटकैती में जाने के लिए विद्यापति जी को न्योता देने आए थे, और उससे पहले महाराज शिव सिंह के सैनिक द्वारा धन्यवाद नामा भी आया था। सो तो विद्यापति जी की बात ही अलग है। अरे भगा, हाँ। भगा, 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 धन्ना सेठ उसके घर में आए थे तो क्या हुआ? मगर जहाँ तक विद्यापति का सवाल है, तो क्या उसकी रचना से मेरी रचना घटिया है? घटिया है बोलो, तुम लोग तो जानते ही हो कि जिसका बड़ा गया आगे, उसका छोटा पीछे भागा है, है कि नहीं? विद्यापति, अरे उसके दादा परदादा सब दरबार से जुड़े हुए थे, इसलिए वो भी वहाँ पहुँच गया। नहीं तो उसकी रचना भला मेरी रचना के आगे है क्या? कुछ नहीं। अरे बैठो, तुम्हीं को पंच मानता हूँ, कर दो निष्पक्ष निर्णय। कहाँ आप, कहाँ वो? ये निष्पक्ष निर्णय। शास्त्री जी, ओ शास्त्री जी, लखन पंडित के घर में पुरुष वर्ग का न्योता है, जटा बाबू, बंटा बाबू, आप लोगों का भी न्योता है। और मैंने क्या तेरा धन चुरा लिया है? नहीं नहीं, आपका भी है, लेकिन अकेले। सो क्यों? हाँ, वो तो लखन पंडित बताएंगे। ये तो मुझे पता है। पता है तो बताओ। जमुना जी के बेटे के ब्याह में मोटू बारात गया था, वहाँ पर लखन पंडित जी भी मौजूद थे। तो क्या हुआ? क्या हुआ? अरे 250 रसगुल्ले, 127 मालदा आम और एक कढ़ाई दही
अरे उस पर सब्जी चीनी की तो बात ही छोड़ो, ये सब वो मोटू चट कर गया। और इस मोटू जैसे इसके घर में 5 लोग और हैं। 5 सो तो सही, लेकिन सब खाने के बाद इसे अपनी प्रतिष्ठा बचानी चाहिए थी कि नहीं। ए, देख देख रहे भाईजू, बहुत आगे मत बढ़ो नहीं तो बड़ा बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ। अरे बोलने दो ना इसे, मिथिला के लोगों की तो आदत ही है हाथ सूखा पेट भूखा। आगे मैं क्या बताऊँ, ये समझिए कि सब कुछ खाने पीने के बाद वहीं पर सब भ्रष्ट कर दिया। अरे क्या भ्रष्ट कर दिया? अजी कैसे कहूँ, ये समझिए कि सब खाने के बाद वही पर रख दिया। अरे भाग तो कहाँ? अरे चलो चलो बारात आ पहुंची है। Oh।